everyone, welcome to Gear Up. मैं हूं आपका host Hamza Pasha और मैं आपको लेके आया हूं to the Sanatorium. और ये गाड़ी है Lotus 7, which is totally recreated. और यहाँ पे और भी बहुत सी गाड़ियाँ recreate होती हैं. This is just the trailer. So Gear Up to know everything about the restoration culture of Pakistan. दुनिया में 90% लोगों के लिए गाड़ियाँ सिर्फ एक पीस ऑफ मशीनरी हैं जो कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं. लेकिन हम आज जिस जगह पे आए हैं ये वो जगह है जहाँ पे बाकी 10% आवाम रहती है. और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी रेयर मर्सिडीज 1952 मॉडल. और आप इसकी रिस्टोरेशन का प्रोसेस देख सकते हैं कि This is a proper roaster. और इसका roaster का मतलब इसका literal meaning है, जिस तरह आप एक चरगा roast करते हैं तो वो घूमता है. ये पूरी गाड़ी इस stand पे लग के rotate होती है ताकि किसी भी angle पे जिस पे आपने इसके detail में काम करना है उसका properly काम कर सकें. Renting के process के बाद गाड़ी पहुंचती है अपनी paint के process पे. This is by the way 1956 Mercedes. और हमारे साथ हैं रिजवान भाई. वेलकम टू गेरा रिजवान भाई, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच. और इस गाड़ी की थोड़ी सी मुझे हिस्ट्री बताएं कि मर्सिडीज पॉन्टॉन कब आई और उसका पूरी जर्नी कैसी है? बेसिकली पॉन्टॉन जो ये सीरीज शुरू हुई थी ये फर्स्ट सीरीज थी आफ्टर दो इंडिपेंडेंट फेंडर्स जो गाड़ियों के आते थे, बड़े बड़े फेंडर्स जो साइड पे आते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, उनका बोनेट के साथ टच नहीं होता था. एग्जैक्टली. तो ये जब पॉन्टॉन सीरीज शुरू हुई तो इसका नाम ही पॉन्टॉन इसलिए रखा गया कि ये इसके बोनेट के साथ जो मड गार्ड्स हैं ये लेवल्ड में आते हैं. दिस इज अ वेरी रेयर कार. ये फर्स्ट मॉडल था जो एक कन्वर्जन का वो था, जबरदस्त पीरियड का. और पीछे हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे खड़ी है लैंड रोवर और दिस इज 1950s मॉडल आई थिंक. ये 1960 का है, सीरीज 2 लैंड रोवर सीरीज 2 है. और ये इसकी यूनिक जो इसकी क्वालिटी है, जो चीज़ है वो ये सिंगल कैबिन पिकअप है. जबरदस्त. आज जो आप रोड पे लैंड रोवर देखते हैं, दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड. और जो बड़ी कंपनीज है उसमें आज भी आप देख सकते हैं कि रिजेंबलेंस, अब जो लेटेस्ट मॉडल है उसके अंदर आपको रिजेंबलेंस मिलेगी इस पुराने मॉडल की. वो अपना जो बेसिक फीचर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते. और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस. मेरे साथ इस वक्त 1964 की शेवरले इम्पाला खड़ी है और इस गाड़ी की आप कंडीशन देख सकते हैं. इसका मेटल जो है वो टोटली उसको जंग लग चुका है और इस गाड़ी को देख के ये नहीं लगता कि ये वापस अपने पैरों पे खड़ी होगी और एक दिन चलेगी. लेकिन ये वो मैजिकल जगह है जहाँ पे गाड़ियों को बिल्कुल बच्चों और इंसानों की तरह पाल पोस के खिला पिला के बड़ा किया जाता है और उसको उसी दोबारा से उसी खूबसूरती से दोबारा रोड पे लाया जाता है. सो लेट्स गो एंड सी के इस जगह पे जो प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं और गाड़ी किन किन प्रोसेसेस से गुजर के अपने फाइनल मुकाम तक पहुंचती है. वी आर हियर इन द नेक्स्ट फेज और मेरे पीछे आप देख सकते हैं फीएट 600 1964 मॉडल और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा कासिम साहब. वेलकम टू गेयर. थैंक यू सर. क्या हाल चाल है? बड़ी मेहरबानी सर. भाई ये बहुत ही एक यूनिक गाड़ी है, इसकी क्या इसकी बैक स्टोरी क्या है? सर ये गाड़ी मेरे एक दोस्त के पास होती थी, वो लेके आया था कराची से. अच्छा. उससे नहीं बनी क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी. उसने कहा कि आगा साहब ये गाड़ी मेरे पास की नहीं है, इसको आप ले जाए. होपलेस के मतलब होपलेस से भी आगे था, ये इसमें था ही कुछ नहीं. आगे आगे मरी मुर्गी पड़ी थी, पीछे कुछ और पड़ा हुआ था और बुरी हालत थी. खैर एज वी आर ये ले आए गाड़ी जाके हम लोग इस पर काम किया और ये आपके सामने इस वक्त इस हालत में पहुँची हुई है. इसका जो है ना यूनिक फीचर जो मुझे पसंद है वो इसके दरवाजे हैं जो आगे से खुलते हैं. दीज आर कॉल्ड सुइसाइड डोर्स. तो जो मेरा डेंटर साहब था वो कहता आगा साहब इसके दरवाजे गलत लगे हुए हैं,
कहें तो मैं इसको पीछे करके ना उसको ऐसे खोलूं। मैंने कहा यार सारी चीज़ इस गाड़ी की ये है, जो दरवाजे आगे से खुलते हैं गाड़ी। किसी भी हालत में गाड़ी हो, जितनी मर्जी होपलेस हो, यहाँ का जो पाकिस्तान का कार कल्चर है उसको रिस्टोर करने का वो हार नहीं मानते, और डबल वाकई हमने हार नहीं मानी, बिल्कुल डबल ट्रिपल मेहनत करके उसको जो है वो बनाते हैं। और अंदर बहुत सी यूनिक गाड़ियाँ हैं, चले आए उन पर भी जाके नज़र डालते हैं। अच्छा आगा साहब, ये एक ग्रीन कलर की ड्यून बग्गी खड़ी है इसकी, ये तो मुझे पूरी फाइबर ग्लास की लग रही है। ये जी बिल्कुल फाइबर ग्लास की बॉडी है इसकी, और ये फोक्सवैगन की चेसी पे बनी है, इसके जी भी फोक्सवैगन बीटल की चेसी बनी है। जबरदस्त, और ये उसकी वही डायमेंशन है, इंजन भी फोक्सी का 1200 cc। इसको कहते हैं ड्यून बग्गी। बिल्कुल, ये ज्यादातर लोग बीचेस पे लेके जाते बीचेस थे, पे रेगिस्तानों में ये बहुत एक एंजॉयबल चीज हो जाती है, जबरदस्त पानी में ले जाए। और ये फ्रॉम द स्क्रैच आप लोगों ने बनाई है, ये सामने इसका स्टेप है, हुड है। हां जी, और अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक फाइबर की बॉडी मिलेगी, जैगुआर ई टाइप की। ये दोनों की एक ही बॉडी बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड ई टाइप जैगुआर। बिल्कुल, और ये इस हालत में आई है, पर इंशाल्लाह ये भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्स एवर मेड। बिल्कुल, और ये इंशाल्लाह इसकी फैन फॉलोइंग जो है वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। सही बात, जबरदस्त, इंशाल्लाह बनेगी एक दिन। ये इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस। और अगर आप आगे देखें तो मर्सिडीज आपको 1966 मॉडल, और हम जिस तरह डीप जाते जा रहे हैं, हमें यूनिक गाड़ियाँ और ज़्यादा नज़र आती जा रही हैं। और अभी हमें आगा साहब बताएंगे अबाउट दिस कार विच इज़ अ ब्रिटिश मेक, फ्रॉम अ ब्रिटिश मेकर। दिस इज़ अ 54 वुल्सले ब्रिटिश कार है ये, और इसकी भी बड़ी बुरी हालत में हमारे पास आई थी, अभी इसका सामान मुकम्मल नहीं है हमारे पास, पर इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आप इंटरनेट से और वहाँ से सिर्फ चीज़ें मंगवा लें, जो पुरानी गाड़ी रिस्टोर करते हैं उसका प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता है, थकाने वाला होता है, और क्योंकि उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो मेन उसका प्रॉब्लम होता है, कि इन गाड़ियों के पार्ट्स जो है दुनिया में बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, तो उनको ढूंढना। इसमें यहाँ एक चीज़ लगती है लोगो इसका जी, वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने नेट पे डाला फेसबुक पे, तो एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, इंग्लैंड से फ़ोन किया कि मेरे पास वो पार्ट पड़ा तो मैं दे देता हूँ। तो उसने मुझे वो पार्ट वहाँ से मेल किया, पैसे भी नहीं लिए मुझसे, उसने मुझे कहा कि आपके थोड़ा तो शौक है। कार कम्युनिटी का जो एक सपोर्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं भी इनके फेसबुक पे भी हूँ मैं। अच्छा, कोई बात होता है मसला होता है तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो सपोर्ट करते रहते हैं ग्लोबली। और अगर आप आगे देखें तो आपको फीएट नज़र आएगी, जबरदस्त। और पीछे भी जो खड़ी है गाड़ियाँ उसका थोड़ी सी डिटेल बताएं। ये जी 1953 की बात है, ये 1953 की वॉक्सॉल वेलॉक्स है, इट इज माई डेट ऑफ बर्थ, माई ईयर ऑफ बर्थ, सो इट्स अनदर वर्थ है, तो ये भी इंशाल्लाह रिस्टोर हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ इसकी ये काम हुआ है, थोड़ा बहुत डेंटिंग होगी इसकी, और आप इसमें इंशाल्लाह जब मौसम ठीक हो जाए तो फिर इसकी पेंटिंग पेंट करेंगे इसको भी। जबरदस्त, तो इस ये गाड़ियों को रिस्टोर करने के लिए आप कैसे चूज करते हैं, व्हाट्स द क्राइटेरिया कि आप इस स्पेसिफिक गाड़ी को पकड़ के जो है वो रिस्टोर करेंगे या दोबारा से उसको जो है वो डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी कम्प्लीट है या जो नहीं कम्प्लीट, ये कम्प्लीट नहीं थी पर हमने इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर ली, ये मुकम्मल है, ये जिससे ऑन रोड ऑल्सो जबरदस्त। हाँ, तो ये इसके ज़्यादा चांस है बेहतर करने के बजाय इसके लिए, जब तक इसका सामान ही मिलता आपको तो फ़ायदा कोई नहीं, फिर इतना काम जबरदस्त पर इस पर काम। यू हैव एन अमेजिंग कलेक्शन, और इस जगह में आप जितना देखें, दिस गैराज हैज 50-70 कार्स जो कि रिस्टोर हो रही हैं, और दिस इज अ ह्यूज नंबर, और एक से एक बेहतरीन गाड़ी और यूनिक गाड़ी आपको देखने को मिलती है। नाउ लेट्स गो to the final phase, जहाँ पे गाड़ी complete होती है।
एंड फाइनली ये वो जगह है जहाँ पे रिस्टोरेशन के बाद आपको एक कंप्लीट गाड़ी मिलती है और मेरे पीछे आप ये एक ह्यूज 19 फीट एंड 10 इंचेस की कैडिलैक फ्लीटवुड देख रहे हैं विच इज 1976 और इस गाड़ी की आप लेंथ और विड्थ देख के एक दफा हैरान रह जाते हैं. दिस कार इज बेसिकली द अमेरिकन वर्जन ऑफ रोल्स रॉयस और इसका दरवाजा खोलें आपको पहले तो फ्रेमलेस विंडोज मिलती हैं और इसके दरवाजे की ही डिटेल आप देख के एक दफा हैरान हो जाते हैं. यहाँ पे प्रॉपर वूल और जैसे कारपेट की फील होती है उसकी कुशनिंग हुई है. यहाँ पे बहुत ही डिटेल में वुड कार्विंग और वुड की फिनिश है. इस गाड़ी के अंदर 1976 में यू वर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सीट्स और इसको अंदर से देखें तो बेज का बहुत ही ज़बरदस्त एक आपको कंट्रास्ट मिलता है. और अमेरिकन गाड़ियों में जो इसका जो फ्रंट डैश होता था यूजुअली वो एक सिंगल क्या कहते हैं फ्लो में बना होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. अमेरिकन जो गाड़ियाँ उनका गाड़ियों बनाने का स्टाइल जो है वो एक स्पेसिफिक जो है उसमें एक टच आता है जो अमेरिकन मसल में आता है. इस गाड़ी में आपको 1976 में मिल रहा था क्रूज कंट्रोल और इसका अब मैं आपको हुड खोल के दिखाता हूँ विच इज़ अ ह्यूज हुड और इसको खोलने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत चाहिए. यहाँ पे इसका क्लिप है और आप इसको ऐसे खोल सकते हैं. बहुत हैवी हाइड्रोलिक्स. इस गाड़ी में आपको मिल रहा है 8000 सीसी का इंजन और उस टाइम पे इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत बड़े इंजन चाहिए थे. लेट्स क्लोज इट और ये अपनी जगह पे परफेक्टली बैठ जाता है. और अब मैं आपको इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिखाता हूँ. इसका डैश खोल के यहाँ पे एक बटन है जहाँ से इसका बूट ओपन होता है. टॉकिंग अबाउट बूट स्पेस, मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बूट स्पेस आज तक नहीं देखी. लिटरली आप इसके अंदर एक चादर बिछा के 3 से 4 लोग पिकनिक कर सकते हैं बड़े आराम से. और एक और अमेजिंग चीज़, यू आर गेटिंग सॉफ्ट क्लोजिंग. 1976 के अंदर जो कैडिलैक है उसने सॉफ्ट क्लोजिंग दी थी और आजकल की लेटेस्ट गाड़ियों में भी हर गाड़ी में आपको ये फीचर नहीं मिलता. अमेजिंग जॉब डन और लग्जरी और क्लास का ये एक सिंबल था अपने टाइम का. सो दिस इज कैडिलैक फ्लीटवुड 76 फॉर यू. अब हमारे पास हैं द ब्रेन्स बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट एंड द ब्रेन बिहाइंड दीज कार्स. अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, इनसे आपकी पहले भी मुलाकात मैं करवा चुका हूँ इनके पर्सनल गैराज में जो इनका होम टूर था उसके अंदर आपने रोल्स रॉयस देखी और ये वो जगह है जहाँ पे इनकी रियल और एक जो मैसिव कलेक्शन है वो है. एक शेडो में आपको नज़र आ रही होगी बीस्ट ऑफ अ कार विच इज़ मर्सिडीज 500 SL. This is an absolute classic. It's a 1988 500 SL. ये basically जो कुवैत से गाड़ियाँ आई थी उनमें से एक है. काफी से मेरे पास है करके. और आसिम भाई इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो आईब्रो स्टाइल में जो इसकी एक मर्सिडीज ने बहुत कम ये वर्जन निकाला था इन लाइट्स का. ये वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रंट्स. इस गाड़ी का जो बड़ी यूनिक बात है कि दिस कार बिकेम अ क्लासिक within its own production cycle. अभी गाड़ी बन रही थी, ये 1971 से लेकर 1989 तक बनी है. और टॉर्क ओवरफ्लो 1990 में भी हुआ था. और जो 87, 88 में जो अर्ली 70s के मॉडल्स थे वो दे स्टार्ट गोइंग अप इन वैल्यू. दे 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 केम क्लासिक. सो ये इंस्टेंट इंस्टेंट लोगों ने इसको इतना पसंद किया. और यहाँ पे हमारे पास है डैटसन और ये कौन सा ईयर है? ये है 1983 डैटसन 280ZX. ये भी सारी गाड़ियाँ यहाँ सारी गाड़ियाँ तकरीबन जो बल्कि सारी इन सम मैनर और शेप जो है ना ये रिफर्बिश हो चुकी हुई है. दिस इज कम्प्लीटली और बिल्कुल ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पॉटलेस
गाड़ियाँ हैं और जो नई गाड़ियाँ हैं उनसे भी बेहतर कंडीशन में है. और दिस इज टी रूफ इसकी एक बहुत ही मजेदार चीज है. आप इसको टोटली डिटैच करके सास वाली गाड़ी पे रख सकते हैं और ये उस साइड से भी खुलता है एंड दिस बिकम्स अ टी टॉप जिसको आप जो है ओपन एयर आप इंजॉय कर सकते हैं. मैनुअल सनरूफ कह लें इसको. और इसके अंदर लेट्स स्टार्ट इट अप एज वेल. साउंड्स रियली गुड. ओरिजिनल इंजन. टोटली ओरिजिनल. जबरदस्त. और आई एम श्योर ये गाड़ी में इतनी पावर होगी कि अगर कभी चाहें तो आप डोनट्स भी कर सकते हैं. बताना नहीं किसी को. When was your last donut, by the way? Oh, long time ago. 10-12 साल हो गया. 10-12 साल is a long time. इतना ज़्यादा time तो नहीं होना चाहिए. बारा हो गया. So this is SL320. SL320, 1994. जबरदस्त. और इसके साथ ही एक खड़ी है बहुत ही bold color की Datsun. तो इसकी आप बता रहे थे. हाँ, ये this is a 1973 240Z. और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो दिस इज द कार दैट आई हैव नाउ लिसन टू दिस आई हैव ओन्ड इट द लॉन्गेस्ट आई हैव ड्रिवन इट द मोस्ट. इतनी गाड़ी मैंने कोई चलाई नहीं हो जितनी मैंने ये गाड़ी मैंने 140,000 मील चलाई हुई जो कि लोगों के लिए नहीं होगा. माइल्स. सो दैट्स गेटिंग ऑन फॉर ओवर 200,000 किलोमीटर्स इन वन कार. आई हैव ओन्ड इट सिंस 1985. इसकी मिली कैसे थी वो भी लंबी कहानी है. जो मेरी ज़िंदगी के जो भी इम्पोर्टेंट लम्हात थे उसमें ये गाड़ी बराबर की शामिल थी. जो भी थे कर. सो ये इसका इसको थोड़ा सा आज से कुछ 30 साल पहले इसका इंजन हमने अपडेट किया था फ्रॉम 2.4 टू 2.8 लीटर. इट्स अ फोर स्पीड ऑटोमेटिक. नाउ इट इज़ अ वेरी रेयर क्वाइट अ वैल्यूएबल क्लासिक. मैं देख रहा हूँ कि इसकी भी डिटेल में आपने इतनी चलाई है लेकिन अभी भी इसको इस कंडीशन में आपने रखा हुआ है कि जिस अभी रिटायर हो गई है. हाँ. लेकिन ये है कि अब इतनी नहीं चलती लेकिन स्टिल ये है जो आप होता है ना जो एक नॉस्टैल्जिया में आप चले जाते हो. नॉट ओनली दैट इट्स लाइक वेयरिंग पुटिंग ऑन एन फेवरेट शू और अ कंफर्टेबल ग्लव. इसकी मुझे ड्राइविंग पोजिशन इसमें इसके इवन नाउ 38 ईयर्स लेटर इट इज स्टिल. And this car will now be 40 years old. Amazing, this year. Amazing stuff. और इसकी मैं अंदर से सीट्स भी मेरी नजर पड़ी थी इसपे. इसकी सीट्स बहुत comfortable और बहुत sporty हैं. Its interior is amazing. इसमें उस ज़माने में थोड़े-थोड़े ventilation भी लगे हुए हैं थोड़े वो vent से हैं जिससे आपका जिस्म का पसीना वगैरह सूख जाता है. Exactly. So amazing. तो ये this is और ये वक्तन फक्तन over the last 30 years ये refurbish भी हुई है. मेजर लेवल रेस्टोरेशन भी हुई है. और ये इन द ईयर 2000 आई टुक पार्ट इन अ कार रैली फ्रॉम इस्लामाबाद टू खुंजराब इन दिस कार. दिस वाज द ओल्डेस्ट एंड द ओनली स्पोर्ट्स कार. दिस इज अ 1974 ब्यूक इलेक्ट्रा लिमिटेड. और ये पाकिस्तान में 1974 में जब इस्लामिक समिट हुआ था तो ये दिस वाज वन ऑफ द प्रोटोकॉल कार्स ड्यूरिंग दैट समिट. इट्स अ ब्यूटीफुल कार और इसका साइज जो है दैट इज इसकी ये एनॉर्मस. ये 19 फुट और 8 इंच लंबाई है इसका. जबरदस्त. इससे 2 इंच छोटी. और आई थिंक इन दोनों का जो ये बिल्कुल दोनों सिस्टर कार्स लग रही हैं बोथ आर अमेरिकन. और उधर उस टाइम पे ये एक ट्रेंड था कि बड़ी और हेवी गाड़ियों का ये वाज कंसीडर्ड मोर लग्जूरियस. ये जब 73 का फ्यूल क्राइसिस आया था ना उसके बाद फिर ये इनकी तरह पॉपुलैरिटी कम हो गई. 74. इसका इंजन कितने सीसी? 7.4 लीटर. 7.4. द कैडिलैक इज 8 लीटर. 8000 एग्जैक्टली. I think वो जो बड़ी बसेस आती हैं उनमें 8000 सीसी इंजन हो वो शायद छोटा ही होगा.
Obviously, so, must be weighing around 2.5 ton, 2,500 kg. Ah, about that. A little bit more. Under 3, but up to 2.5 tons. अब तो गाड़ियाँ जो आती हैं वो 1200, 1300, 1400 kg तक जो है वो गाड़ियाँ आती हैं. This was almost double the weight और size भी देख सकते हैं. इतने size में आप दो गाड़ियाँ आजकल की आराम से खड़ी कर सकते हैं. चलो यार, ये सारी बातों के बाद I would like you to meet my team. जबरदस्त. ये और ये मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग हैं. ये part of your team. This is yes. ये मदसर है. ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे manage करता है, including overall management. Ijaz, he is the accounts and the admin chap over here, जो सारा करना कराना है. Chief mechanic जो है. Main काम जो है chief mechanic का जो. ये इनका है. उनके assistant है Ali. He is also a very keen student. और अपना जो है इसने अभी BCom का. अच्छा, he is studying as well. Studying as well. करता है करते. ये जुनेद है. ये सलामत है. ये सारे मिलके जो मेरे जितने भी ऊटपटांग जो प्लान्स होते हैं या आइडियाज होते हैं कि चाहे रात के 10 बजे का टाइम हो या सुबह सुबह हो या रात को ख्याल आ जाए मैसेज. आजकल तो वॉइस में चलता है. बिल्कुल, सारा बिल्कुल. ये करते हैं और ये दिस दे आर बेसिकली क्वाइट लॉन्ग सफरिंग. लेकिन चलो जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और जो आपका काम है वो नज़र आता है और बहुत ही डिटेल में आपके पास माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टीम है. तो ये इस तरह का काम करते रहे, ये पाकिस्तान की पहचान बनता है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि पाकिस्तान में जो कम्युनिटी है, जो क्लासिक कार कम्युनिटी है, वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और किस तरह के पैशनेट लोग हैं जो कि कार कम्युनिटी को आगे लेके चल रहे हैं. थैंक यू सो मच आसिम भाई फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोग बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं. सो आई होप यू इन्जॉयड टुडेज शो. दिस इज़ योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन गियर अप.